chapter number फोर computer mouse you all have seen a mouse in and around your house आप सबने घर के आसपास और घरों में छोटा सा माउस जरूर देखा होगा It has a tail and it runs वेरी फास्ट उसकी एक छोटी सी पूछ होती है और बहुत तेज़ भागता है and ऐसा ही mouse हमारे computer device में भी होता है इट लुक्स लाइक अ रियल माउस इट इज स्मॉल इन साइज बहुत छोटा सा होता है और रियल वाला माउस की तरह ही दिखता है इट्स नेम इज माउस इट हैज टू बटन्स लेफ्ट बटन एंड राइट बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील इसके दो बटन्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट और एक छोटा सा स्क्रॉल व्हील होता है जिससे हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं जो पेज हमारे मोनिटर स्क्रीन पर शो हो रहा होता है इट हैज़ अ वायव लाइक अ टेल विच इज़ फिक्सड टू द सी पी बॉक्स इसकी जो टेल होती है जैसे रियल माउस की होती है वो टेल सी पी यू बॉक्स में कनेक्ट होती है सी पी यू बॉक्स में कंप्यूटर के सारे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं जो भी हार्डवेयर पार्ट्स हम कंप्यूटर में फिट करते हैं उनको सी पी यू से कनेक्ट किया जाता है Nowadays we ऑल्सो यूज़ अ वायरलेस माउस आज कल हम बिना वायर वाले माउस को भी यूज़ करते हैं जिसको हम ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट कर लेते हैं तो हमको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती अ माउस इज ऑलवेज कैप्ट ऑन अ माउस पैड माउस पैड के ऊपर माउस को रखा जाता है जिससे कि सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए हमारा माउस का पॉइंटर का मूवमेंट अच्छे से हो जाए नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ अ माउस माउस अस टू ड्रॉ पिक्चर्स पॉइंट एंड सिलेक्ट एनी आइटम इन द मॉनिटर ऑन द मॉनिटर एंड प्ले गेम्स ड्राइंग करने के लिए यूज होता है किसी चीज को पॉइंट या सेलेक्ट करने के लिए जो भी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और गेम्स खेलने के लिए वेन वी यूज द माउस वी सी अ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द मोनिटर दिस एरो माउस पॉइंटर आप ये देख सकते हैं ये रहा माउस पॉइंटर माउस पॉइंटर आपका क्या करता है माउस पॉइंटर स्क्रीन पर मूव होता है यस yes. जब हम माउस को मूव करते हैं तो ये माउस पॉइंटर भी मूव होता है नेक्स्ट हाउ टू होल्ड द होल्ड एंड मूव अ माउस माउस को कैसे होल्ड करें और मूव करें तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है जो कि थम के जस्ट बगल वाली फिंगर है सी लेट मी शो यू या दिस वन दिस फिंगर इज द इंडेक्स फिंगर एंड इट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस नाउ द मिडिल फिंगर दिस वन मिडिल फिंगर इज केप्ट ऑन द राइट बटन सो प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बैटन एंड प्लेस द मिडल फिंगर ऑन द राइट बैटन होल्ड द माउस विद द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स एंड थम एंड रेस्ट योर पार्म ऑन द माउस इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट पे रखा और मिडिल फिंगर को राइट बटन पे रखा थम्ब और बाकी फिंगर्स की हेल्प से माउस को होल्ड किया ना मूव द माउस ऑन द माउस पैड माउस पैड पर उसको मूव करो वॉच द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एज यू मूव द माउस जब माउस को मूव करो तो उसके पॉइंटर का मूवमेंट भी देखो ओके सो नाउ द माउस बटन्स ऑल ऑफ अस हैज सीन अ कैमरा व्हाट वुड यू से टू योर पेरेंट्स इफ़ यू वांट टू क्लिक अ फोटोग्राफ टेक अ फ्रोटोग्राफ यू विल से क्लिक द पिक्चर सो माउस भी सेम फंक्शन करता है इफ़ यू विल प्रेस अ बटन इट इज़ नोन एज क्लिक द लेफ्ट बटन इज कॉल्ड क्लिक दिस सेलेक्शन आइटम इसको इसको करने से आइटम सिलेक्ट हो जाता है जो भी मॉन ट स्क्रीन पर होता है आपने लेफ्ट बटन क्लिक किया इट विल सिलेक्ट दैट आइटम डबल क्लिकिंग क्या होती है डबल क्लिक करने से क्या होता है इट क्लिक ओपन द आइटम वहाँ से आइटम सिलेक्ट होता है जो भी आप चीज़ को सिलेक्ट करते हो लेकिन डबल क्लिकिंग से वो चीज़ ओपन हो जाती है जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन को खोलना है माउस से आप डबल क्लिक करोगे लेकिन अगर उसको सिलेक्ट करना है तो आप सिंगल क्लिक करोगे नाउ हाउ यू विल डू दैट यू विल होल्ड द माउस मूव इट टू द मूव इट टू ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर आइकन जिस भी आइकन को खोलना है उस तक लेके आओगे मूव करा के डबल क्लिक कर दोगे आइकन के ऊपर एंड क्लिक द क्लोज बटन उसके बाद फिर क्लोज कर दोगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी डबल क्लिक करने पर ओपन हो जाएगी और क्रॉस यानी कि क्लोज करने पर वो क्लोज हो जाएगी राइट क्लिकिंग प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन वंस विल शो अ लिस्ट ऑप्शन ऑन द मॉनिटर अगर आप लेफ्ट की बजाय राइट क्लिक कर देते हो तो वो एक लिस्ट को शो करता है मूव द माउस पॉइंट ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप और इसको करेंगे कैसे यू विल राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप नाउ क्लिक ऑन इट द लिस्ट विल अपीयर क्लिक किया लिस्ट आ गई और आपको जो भी सिलेक्ट करना है जो भी चेंजेस करने हैं आप उससे कर सकते हो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ड्रैगिंग क्या है ड्रैग करना मतलब उसको खींचना नीचे मूव कराना ऊपर मूव कराना अप मूव कराना ड्रैग करके इट इज़ यूज टू मूव एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर ऑन द मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ अ माउस मतलब कि उसको Move Karana with the help of mouse. Now, the scroll wheel. Scroll wheel is the wheel between the left and the right buttons of a mouse. It is used to move the page up and down on the monitor. So, this was all your chapter. Thank you.